आज की कक्षा में हम वर्ग 8 के गणित के प्रश्नावली 1.1 जो परिमेय संख्याओं से संबंधित है इसे हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो ए 30 बी -45। तो हम एक प्रश्न को हल करेंगे, 1b लेते हैं 1b। यहां क्या करना है, हमारी संख्या है -4/5 हमें करना क्या है कि ये जो हर 5 है इसे हमें -45 बनाना है। तो 5 को हम कितना से गुना करें कि ये 45 हो जाए, स्पष्टतः 9 से, 9 पचे 45 और ऊपर भी 9। हम यहां माइनस इसलिए नहीं रख रहे हैं कि यहां पहले से माइनस ऊपर में है, तो ये हो जाएगा -4 और 9 -36 और ये हो गया 45। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें -45 चाहिए हर में, तो यहां लिखेंगे हम 36/-45। ये ऊपर वाले माइनस को हम नीचे ले आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो गया। अब इसी तरह 1 का ए आप खुद से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, यहां है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो हम देख रहे हैं इसे मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। तो ये हम पहले संख्या को लिख रहे हैं -36/60। अब आप बताएं कि वह कौन सी संख्या है जिससे हम दोनों को कैंसिल कर सकें, यानी दोनों में पूरा पूरा भाग लग जाए। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ऐसे 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, लेकिन हमको चाहिए सबसे बड़ी संख्या। तो वो बड़ी संख्या है 12। तो यहां 12 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3 और यहां 5। तो और हमें हर में 5 ही लाना था, तो यह प्रश्न हमारा हो गया। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। ए बी सी डी 4 प्रश्न यहां है, मैं सिर्फ एक प्रश्न हल करूंगा, प्रश्न नंबर 3 का कौन सा लूं, चलिए डी लेता हूं। यह है -28/-35। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमारा आएगा 28/35। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों का मौसा निकालेंगे। मौसा अर्थात महत्तम समाप वर्तक या HCF। तो हम आप जानते हैं कि कैसे मौसा या HCF निकाला जाता है। 28 से जो छोटी संख्या है 28 से हम 35 में ये भाग देते हैं, तो इस तरह से हमारा 28 आया, फिर यहां 7 आया और 7 से फिर हम इस 28 को भाग देते हैं तो ये 4 आया। इस तरह से हमारा मौसा या HCF जो कहें
ये आ गया सेवन। तो सेवन से हम इन दोनों में भाग देंगे, तो यहां हो जाएगा ये फोर और ये फाइव, यही मानक रूप है। अब इससे और ज्यादा लघुत्तम रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह मानक रूप है। अब प्रश्न नंबर फोर, यहां क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। दो दो संख्याएं दी हुई हैं, इसमें बताना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो हम कौन सा लें, ई नंबर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले सी लेते हैं, चलिए वन बाई टू जीरो, इसमें हमें तय करना है कि बड़ी कौन है। तो इसके लिए हमें हर समान करना होगा, तो वन बाई टू, तो ये तो वन बाई टू ही रहेगा। और जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग दें या गुना करें वह भी जीरो ही रहेगा। तो यहां स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारा कौन सा संख्या छोटा है, शून्य। सारी धनात्मक, यह भी याद रखना है कि सारी धनात्मक संख्याओं से शून्य छोटा होता है और सारी ऋणात्मक संख्याओं से शून्य बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या हो गई यहां, इसलिए बड़ी संख्या एक बटा दो है। अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा, और ये प्रश्न ले रहे हैं ई नंबर फोर का ई, यहां माइनस फाइव बाई सिक्स और ये माइनस फोर बाई थ्री। पहली संख्या हमारा माइनस फाइव बाई सिक्स है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का हर देखते हैं, ये सिक्स है और ये थ्री है, दोनों का लॉसा यानी एलसीएम क्या होगा। तो स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि सिक्स और थ्री का थ्री ही सिक्स ही होगा, तो ये तो माइनस फाइव बाई सिक्स, तो ये तो उतना ही रह गया। अब ये माइनस फोर बाई थ्री है, तो ये माइनस फोर बाई थ्री, तो ये थ्री को हमें सिक्स बनाना है, तो हम कितने से गुना करेंगे, टू से, तो ऊपर भी हमें करना होगा अंश में भी टू से, तो ये हो जाएगा माइनस एट बाई सिक्स। अब देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में हर सिक्स ही है, यहां भी सिक्स है और यहां भी सिक्स है, माइनस फाइव बाई सिक्स और माइनस एट बाई सिक्स, तो हर तो समान है। तो अब कौन बड़ी है इसका निर्णय अंश के अनुसार होगा, अर्थात किसका अंश बड़ा है। तो निश्चित रूप से माइनस फाइव माइनस एट से बड़ी है, इसलिए माइनस फाइव बाई सिक्स बड़ी है माइनस एट बाई सिक्स। इसलिए हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, इसलिए बड़ी संख्या ये हो गई माइनस फाइव बाई सिक्स। हमारा प्रश्न संख्या फाइव है, संकेतों बड़ी छोटी और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो आइए देखते हैं, पहला ए, ये है माइनस थ्री बाई सेवन और ये टू बाई थ्री, ये है निगेटिव यानी ऋणात्मक और ये पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है,
तो यहां इस तरह का चिन्ह हो जाएगा, अर्थात माइनस 3 बाई 7 2 बाई 3 से छोटी है। अब यहां बी नंबर में दोनों निगेटिव है और दोनों का हर अलग है, तो इसे हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो पहली संख्या है माइनस 2 बाई 3 और दूसरी है 5 बाई माइनस 8। माइनस 2 बाई 3 और ये 5 बाई माइनस 5 बाई 8, माइनस को ऊपर कर दे रहे हैं। तो दोनों का हर है 3 और 8, और 3 और 8 का जब हम लॉसा या एलसीएम निकालेंगे तो 24 होता है। तो यहां हमें 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा कि 24 हो जाएगा, ये 8 बाई 8 से। तो ये हो गया माइनस 16 बाई 24, और यहां 3 बाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 बाई 24। तो हम देख रहे हैं कि माइनस 15 माइनस 16 से बड़ी है, अर्थात ये 5 बाई माइनस 8 बड़ी है। तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा। अब सी नंबर देख रहे हैं, ये 0 या 0 है और ये माइनस 5 बाई 6 है। तो 0 हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो यहां ये हो गया। यहां देख रहे हैं माइनस 2 बाई माइनस 3, ये ऋणात्मक नहीं है, ये दोनों माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बाई 3 हो जाएगा, अर्थात ये धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं हमेशा 0 से बड़ी होती हैं, तो ये ऐसे होगा। अब ई नंबर में दोनों का हर अलग है और दोनों ऋणात्मक है, तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा। ई नंबर माइनस 2 बाई 11 और ये माइनस 3 बाई 22, माइनस 2 बाई 11, ये जो 11 और 22 है लॉस हर, तो इसका लॉस निकालेंगे तो 22 आएगा। तो हमें 22 करने को 11 को 22 करने के लिए 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 22, और ये तो ऑलरेडी माइनस 3 बाई 22 है। तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों हर समान है तो माइनस 3 और माइनस 4 में माइनस 3 बड़ी है, तो अर्थात यहां पर कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ये वाला, अर्थात माइनस 2 बाई 11 माइनस 3 बाई 22 से छोटी है। अब हम ये एफ नंबर देख रहे हैं, तो यहां दोनों ऋणात्मक है तो इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। एफ नंबर तो 1 बाई माइनस 3, इसे हम लिखते हैं माइनस 1 बाई 3, और ये है माइनस 1 बाई 4, तो माइनस 1 बाई 4। तो यहां 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहां हमें मल्टीप्लाई या गुना करना पड़ेगा 4 बाई 4 से, तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 12, और यहां 3 बाई 3 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 12। दोनों का हर समान हो गया, तो माइनस 4 और माइनस 3 में हमारी बड़ी है माइनस 3, अर्थात ये हमारी इस तरह की चिन्ह यहां होगा, अर्थात माइनस 1, ये 1 बाई माइनस 3 माइनस 1 बाई 4 से छोटी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां क्या करना है, निम्नलिखित के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हम कोई एक लेते हैं, चलिए हम सी नंबर लेते हैं 3 बाई 8। तो इसको बनाने का यह तरीका है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं दी होती हैं निकालने के लिए समतुल्य परिमेय संख्या, तो हम बारी बारी से उसको गुना करते हैं। पहली बार करेंगे 2 बाई 2 से,
तो ये हो गया 6 बाई 16, 6 बाई 16, एक एक समतुल्य परिमेय निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं, तो ये 3 बाई 8, इस बार 3 बाई 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बाई 24। और तीसरी बार दो निकल चुका है समतुल्य परिमेय, अब इस बार इसको कितने से करेंगे, 4 बाई 4 से, तो ये हो गया 12 बाई 32। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालने के लिए यही तरीका है। तीन था हमारे पास, तीन निकालना था, तो हम 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4 किए। अगर हमें इससे ज्यादा निकालना हो तो इसी तरह से आगे करेंगे, 5 बाई 5, 6 बाई 6। तो हमने बी सी नंबर बनाया है, बाकी ए बी और डी आप खुद से बनाएंगे।